नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं गुजरात के गांव में किस तरह से बाजरा की खेती होता है। और आगे रेल ट्रैक है और इधर भी देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक बाजरा का ही खेती दिखाई देता है, बाजरा लगा हुआ पूरा। और यहाँ सबसे बेहतर चीज़ दिखता है कि खेत के बगल बगल में पौधा लगा हुआ, पूरा हरियाली सा लगता है एकदम। और इधर ये रोड बनने वाला है, इसलिए भी इसको काम चल रहा है। देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा गांव का। अभी भी इधर गांव में देखिए किस तरह से रहता है सब। ये पूरा ग्रामीण एरिया है, छोटा सा घर बना के कुआं से पानी निकालना इस तरह का, पूरा हरियाली एरिया। मतलब इधर का भी एरिया आपको हम दिखाना दिखा रहे हैं। कितना हरियाली है देख सकते हैं। आगे ट्रेन का भी आवाज आ रहा है उधर से। अभी फ्री थे तो सोचे वीडियो बनाते। देखे ट्रेन अभी यहाँ से निकल रही है, खूबसूरत सा नजारा। देखने में ये अच्छा लगा तो हम आप सोचे कि आपसे शेयर करते हैं। ये यहाँ देखिए पानी के लिए कुआं लगा रहता है, कुआं में ही मोटर लगा दिया जाता है, उससे पानी निकालता है और खेत में पहुंचाता है। पानी का यहाँ मतलब पानी निकालने के लिए बहुत अंदर, मतलब इसका जल स्तर बहुत नीचे है, कुआं में ही जो है ना मोटर सेट कर देता है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पानी का सप्लाई होता है गाँव ग्रामीण एरिया में। ये देख सकते इधर खेत है और कहीं कहीं घर रहता है छोटा सा, और कुआं में ही मोटर सेट कर देता है, देख सकते हैं। और इसको अच्छे से घेर दिया कि कोई बच्चे उच्चे ना गिरे इसमें। और इधर से पाइप निकाल के इधर से ये टंकी सा बना दिया, इसमें पानी आता है और उससे ये खेत की ओर जाता है पानी। पानी का मतलब ये कुआं से ही निकालने का पूरा प्रोसेस है। ये कटहल का पौधा है, देख सकते हैं मस्त। और हर जगह ये बाउंड्री अपना अपना डाला हुआ है, मतलब आप इधर घूमते हैं गांव गुजरात के कुछ ग्रामीण एरिया में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस वीडियो में आपको यहीं तक शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, ग्रामीण एरिया जो गुजरात का है उसमें हम आपको शेयर करेंगे किस तरह से यहाँ ग्रामीण लाइफ होता है यहाँ का गुजरात का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।